हेलो स्टूडेंट्स वेलकम गुड इवनिंग आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड तो स्टूडेंट्स हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी आज की क्लास का स्ट्रक्चर ठीक है तो so, आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ फिर हम शिफ्ट करेंगे अपनी न्यूज़ पे टोटल फोटीन क्वेश्चन और फाइव न्यूज़ स्टूडेंट्स हमको आज की क्लास में यहाँ पर कवर करना है एक बार मैं जल्दी से क्लास की ऑडियो वीडियो को चेक कर लूँ क्वेश्चन और ठीक है सो तो मेरी तरफ से तो क्लास की ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सो तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को हमारे क्वेश्चंस के साथ फोर्टीन क्वेश्चंस फिर शिफ्ट कर जाएंगे न्यूज़ पे टोटल पाँच न्यूज़ भी हमको कवर करनी है हर एक न्यूज़ के बाद कोशिश करेंगे एक एक एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछता चलूँ जो कि आट दी स्पॉट मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन क्वेश्चन और फाइव न्यूज हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर रहने वाला है ठीक है शुरू करते हैं अपनी क्लास को सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में एक मेंटर और कोच की तरह स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ अकेडमी की ऐप पे एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और चार साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स स्टार्टिंग अफेयर्स बैंकिंग अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स अन अकाडमी की ऐप पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जाएगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च यानी कि संडे को आपने पहले भी ये टेस्ट दिया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट इस पर इसका सेकेंड हम वर्जन रख रहे हैं ठीक है सेकेंड एडिशन रख रहे हैं सिंपली अन अकेडमी की ऐप पर जाओ और जाकर इस स्कॉलरशिप uh, टेस्ट में इनरोल करो रेफल कोड मांगा जाए तो आप ये आपफल कोड भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो अन अकेडमी के ऐप पे नाइन्थ ऑफ मार्च से नए बचेज आप लोगों के लिए शुरू कर दिए गए हैं हमारी कंट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ आप पर पढ़ाते हैं जितने भी बचेज आप लोगों के लिए क्रिएट किए जाए उसमें काफ़ी सारे फीचर्स का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है ठीक है अन अकेडमी के ऐप पर जैसे चूस अगर आप बैंकिंग ऐसे ऐसी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अगर आपने चूज़ किया बैंकिंग तो आपके सामने दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल होंगे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्स प्लस के क्या क्या फ़ीचर्स यहाँ लिखे और आइकॉनिक में क्या क्या एडिशनल है प्लस के मुकाबले वो भी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है आप बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हो जैसे एन अकाडमी अगर के ऐप पर गए आपने सेलेक्ट किया बैंक एग्जाम्स फिर आपको सिलेक्ट करना है प्लस या आइकॉनिक में से जो भी आपको ठीक लगे आपने अगर आइकॉनिक चूज़ किया तो अपनी ड्यूरेशन और प्राइसेस आपके यहाँ पर शो हो जाएगा पर आपने ध्यान रखना है कि फाइनल परचेज से पहले इस रेफरल कोड को यूज़ करो इससे आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा आपकी कोर्स अमाउंट के ऊपर ठीक है आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है स्टूडेंट्स अन्य अकेडमी ने यहाँ पर कुछ नए इनिशिएटिव्स को शुरू किया जैसे आ, लोकल लैंग्वेजेस में बैंक एग्जाम्स इंश्योरेंस एग्जाम्स टेनोग्राफ़ एग्जाम्स इन सब चीज़ों को आप अन अकाडमी के ऐप से आकर चेकआउट कर सकते हो जल्दी ही स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइस हाइक आने वाला है तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई कोर्स परचेज़ है अभी आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है ध्यान रखो अगर आप ये रेफर कोड यूज़ करते हो फाइव जीरो आपको एडिशनल टेन परसेंट ऑफ भी मिलेगा अन अकाडमी की ऐप पे स्टूडेंट्स अभिनव जोशी नाम से मेरी प्रोफाइल है अगर आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करोगे तो मेरी बहुत सारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस आप फ्री में अटेंड कर सकते हो ठीक है थीके? अगर आप स्टूडेंट्स अन अकेडमी की ऐप पे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है रेज हैंड जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हो और जो भी डाउट वगैरह आप यहाँ पर पूछ भी सकते हो ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स वी आर ऑल सेट लेट्स क्रैक इट शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को आशीष आप जो मटेरियल मांग रहे हो ना इसके लिए आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर एक बार आपको मुझे मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करना मैं कोशिश करूँगा जितना भी आपकी मदद कर पाऊँ और स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस के पी और लिंक्स रेगुलर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो सी ए बाई अभिनव जोशी ठीक है क्लासेस के लिंक पी सब कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे ठीक तो है स्टूडेंट्स तो शुरू करते हैं फोटीन क्वेश्चन फाइव न्यूज़ हर एक न्यूज़ के बाद एक एक एडिशनल क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे तो इसको भी काउंट किया जाए तो फोरटीन प्लस फाइव नाइनटीन क्वेश्चन और फाइव न्यूज़ चलते हैं हमारी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का पूछा जा रहा है दल हिल स्टेशन असल में लोकेटेड है दिए गए ऑप्शन में से किस स्टेट में दल हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन दि स्टेट वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश असम या फिर राजस्थान अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कोशिश करो दल हिल स्टेशन आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश असम या फिर राजस्थान अगर स्टूडेंट्स आप लोग कोई भी क्वेश्चन को अटैंड करना चाहो आपको ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर वैसे आपको कोई डाउट है इन सब चीज़ों के लिए आप लाइव चैट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो मैं आप लोगों की लाइव like चैट को रेगुलर चेक कर रहा हूँ तो दल हाउजी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो दल एक हाई ऑल्टीट्यूड टाउन स्प्रेड अक्रॉस फाइव हिल्स नियर दौलाधार माउंटेन रेंज इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट है इसकी चंबा एलिवेशन है मतलब जो मीन सी लेवल है दुनिया में जो समुद्र का लेवल है उसके इसकी उन्च, ऊंचाई है ऑलमोस्ट दो हजार मीटर की ठीक है आगे चलते हैं रवि देखो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस का मटेरियल कराऊं और वैसे तो देखो रेगुलरली ही आप करोगे थोड़ा बहुत तभी आपको ये अवेयरनेस टर्म्स वगैरह थोड़ी रेडी हो जाएंगी और अगर आपको थोड़ा मटेरियल की कमी पड़ रही है तो आप जो टेलीग्राम चैनल हैं सी ए बाय अभिनव जोशी वहाँ पर जाके आपको सारे मटेरियल वगैरह पिछले कई महीनों के सब कुछ मिल जाएगा ठीक है उसमें बैंकिंग टर्म्स वगैरह सब है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन है स्टार्टिंग अफेयर्स का पूछा जा रहा है पोर्ट मोर्सबी ये एक शहर है जो कैपिटल है दुनिया में किस कंट्री की दुनिया में कौन सी कंट्री से कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी सोलोमन आइलैंड्स पपुआ न्यू गिया ईस्ट में या फिर बुनाई तो छोटी छोटी कंट्रीज़ आपने इसके बारे में पता नहीं सुना या नहीं सुना मैं आपको मैप पे भी अच्छे से दिखा दूंगा कि पोर्ट असल में किस कंट्री की कैपिटल है इसका बिल्कुल सही आंसर है पप्पो है तो अगर आप देखो सुन से इस मैप की तरफ तो ये ना बिल्कुल चले गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ यहाँ ना ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आसियन कंट्रीज़ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियन के है तो यहाँ ना आखिरी आसियन कंट्री है इंडोनेशिया इंडोनेशिया के बिल्कुल बगल में यहाँ पर है पप्पा न्यू न्यूगिनिया ठीक है तो पप्पा न्यू न्यूगिनिया की जो कैपिटल है वो थी पोर्ट मोर्सबी ठीक है जो ईस्ट मॉल लिखा हुआ था वो यहाँ पर छोटा सा ठीक है तो पप्पा न्यू न्यूगिनिया साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में आपको देखने को मिलेगा कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी करेंसी होती है कीना पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नाइन्टी लाख के आसपास ये कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है ओशानिया आप सोचेंगे ओशिया तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता असल में ऑस्ट्रेलिया और ओशिया बोला जाता है ये ओशिया ठीक है ये सब कंट्रीज़ को ओशियानिया कंट्रीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बगल में होती है ओशिया कंट्रीज शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स कैटेगरी के कोश्चन्स को थर्ड से लेकर टेंथ तक अब सारे ही क्वेश्चन करंट फेयस के रहने वाले हैं क्वेश्चन है, है इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी इन दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम है लम टाइट ट्वेंटी ट्वेंटी टू किस कंट्री के साथ इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है

एज़ स्टूडेंट आप ज़ारा सारा सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो बिल्कुल सही बात है कि कई बार आप लोगों को बहुत मजबूर फील होता होगा या बहुत डीमोटिवेटेड uh, या हेल्पलेस फील होता होगा देखो बिल्कुल सही बात है कि कई बार ऐसा होता है आप बहुत प्रिपेयर करते हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते पर आप ये मान के चलो कि अगर आपने सही तरह से प्रपेरेशन करिए जो ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स भी करें तो बाकीों के लिए भी वो क्वेश्चन नहीं आए होंगे अगर एग्ज़ामिनर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा तो वो सबके लिए एक चैलेंज और सबके लिए अगर एक चैलेंज है तो यद बहुत सारे लोग उसको नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे तो अगर मतलब सिंपल चीज़ें अगर पेपर आसान है तो वो सभी के लिए आसान है मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है ठीक है और क्योंकि आपके साथ जो बैठे हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट उसी तरह की तैयारी करी है वही डायरेक्शन में तैयारी करी है जिस तरह से आपने करी है तो आपको इतना डीमोटिवेटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है हमारा काम है बस अपनी तैयारी बेस्ट रखना ठीक है ठीक है सुनो तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सीशल्स सीशल्स एक छोटी सी कंट्री आपको ये मिलेगी अगर आप इंडियन ओशन में नीचे जाओ तो मॉरीशस के पास आपको शीशल मिलेगी इसकी कैपिटल होती है जितना मुझे याद आ रहा है इसकी कैपिल होती है विक्टोरिया ठीक है सीशल्स uh, हाँ विक्टोरिया कैपिटल होती है तो इंडियन आर्मी कंटीजेंट पहुंच गया सीशल्स फॉर द नाइन्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्साइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड शीशल्स डिफेंस फोर्सेज तो बहुत बड़ा यूनिट हमारा नहीं आप देख सकते हो ठीक है और सीशल्स एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री इंडियन ओशन में नीचे मिलती है कैपिल वक्टोरिया इसकी प्रजेंट रावल राम और इनके इंडियन ओरिजिन uh, के ये रावल राम का शायद जन्म हुआ था बिहार बिहार में हुआ था इनका जन्म ठीक है पर ये जो सीशल्स है ना ये पार्ट अफ्रीका का है क्योंकि मॉरिशियस सीशल्स ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं बिल्कुल इंडियन ओशन में नीचे जाके मिलेंगे आपको ठीक है हमारे काफ़ी इंटरेस्ट है शीशल्स में हम इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी करते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है किस किन को अपॉइंट मतलब अनाउंस कर दिया गया है कि वो मतलब सॉरी सॉरी किन को अनाउंस किया गया और उसके बाद अपॉइंट कर दिया गया एज दी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर तो आपको पता है रिसेंटली मणिपुर में असेंबली इलेक्शन थे uh, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए उसके बाद कौन बना मणिपुर का नया सी एम तो पाँच स्टेटों में से मणिपुर यूपी uh, पंजाब और uh, और कौन सी स्टेट थी मैं भूल ही गया मनी उत्तराखंड ठीक है तो पांच में से चार स्टेट्स में तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट लेकर आई है एक स्टेट जो पंजाब है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी में बनी ठीक है तो मणिपुर में बीजेपी ने जीतने के बाद किन को अनाउंस किया एस डी सी एम तो गोविंदास कोंथुंजामम तौंग, तौंग, विश्वाजीत सिंह गोविंदास अच्छी का नाम सॉरी दो बार आ गया सॉरी सॉरी एक ही बार ए बी और सीधे डी एन बीरेन सिंह तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये पहले भी कंटिन्यू कर रहे थे एस डी सी एम एन बीरेन सिंह इन्हीं को आगे कंटिन्यू करवाया जा जाना एन बिरे टू सर्व एज मनीपुर चीफ मिनिस्टर फॉर सेकेंड टर्म तो दूसरी टर्म के लिए यहाँ पर बीजेपी के द्वारा अपॉइंट कर दिए गए ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वर्ल्ड वाटर डे दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे किस डेट को या डे को जैसे ये दोनों डेट्स हैं ये दोनों डे कोशिश करो आप लोग कोशिश करो ज़्यादा सारा क्वेश्चन को अटेंड करने की तो वर्ल्ड वाटर डे क्या ये हर साल मार्च महीने के फोर्थ ट्यूसडे को जब भी फोर्थ ट्यूसडे आएगा तब मनाएंगे 21 मार्च को 22 मार्च को या मार्च महीने के थर्ड मंडे को कोशिश करो ठीक है स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन बसी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च ठीक है एक सेकेंड ठीक है स्टूडेंट्स तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे अब जिस तरह से दुनिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है मतलब ठीक है बहुत सारे कंट्रीज थे थोड़ी रात की न्यूज से इंडिया में भी अगर आप देखो तो पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड थोड़ी कम हो रही है पर फिर भी हम लोग ऑलमोस्ट आठ सौ करोड़ की पॉपुलेशन पर पहुँच चुके हैं दुनिया में आप खुद सोचो दुनिया के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना लोग इतने ज़्यादा रिसोर्स तो लिमिटेड है तो पानी कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके लिए कितनी तरह की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वर्ल्ड वाटर डे हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाईस मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेश वाटर की जो कि वैसे ही बहुत कम है मैक्सिमम तो सॉल्ट मतलब सुई वाटर ठीक है तो फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस का ये दुनिया को रियलाइज करना चाहिए इस दिन के दिन और ठीक है आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन वो कौन से प्लेयर हैं जिनको रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी ये अवार्ड दिया गया है 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स के अंदर तो स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड के अंदर मैं आपको फीमेल कैटेगरी में भी क्वेश्चन पूछूंगा मेल कैटेगरी में ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये किन को बनाया गया है नीरज चोपड़ा बजरंग पूनिया सुमित अंतिल हरभजन सिंह ठीक है तो आप शायद इनको नहीं जानते होंगे ये पैरा थ्री टेन ने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए तो विच प्लेयर हैज़ बीन फेसिलिटेड विद द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट दी टी टू स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स तो ये तो आपको पता ही है जैवलिन थ्रोअर रेसलर और क्रिकेटर ठीक है और ये भी जैवलिन थ्रोअर है ठीक है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है नीरज चोपड़ा ठीक है तो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड जीतने वाले टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा क्लेम दी स्पोर्ट्स ईयर ऑफ मेल अवार्ड एट दी टी टू स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स और ठीक है आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली होस्ट किया और आगे मतलब कर रही है होस्ट थर्टी सिक्स इंटरनेशनल ज्योलॉजिकल कॉन्फ्रेंस तो आईजीसी जी सी इंटरनेशनलॉ जियोलॉजिकल कांग्रेस दुनिया में किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जा रही है क्या जापान इस कांग्रेस को कांग्रेस मतलब एक तरह से बहुत बड़ी यूनियन की मीटिंग है क्या जापान इसको होस्ट कर रहा है नेपाल साउथ कोरिया या इंडिया तो विच कंट्री इज़ होस्टिंग दर्टी सिक्स इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है इंडिया ठीक है तो आप देख सकते हो ट्वेंटियथ मार्च की न्यूज़ है थर्टी सिक्स इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इनागरेटेड इन न्यू डेली तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइनिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रा जोशी ज्योलॉजिकल एरिया अंडर माइनिंग ठीक है ठीक है ठीक है मतलब इनकी स्पीच ही लिखी है उसमें मुझे लगता है आपके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट है आपको इस मीटिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि इंडिया होस्ट कर रहा है थर्टी सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस एट्थ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का सरदार सरदार बिडियो थो, मोहडव तो इनका थोड़ा मुश्किल सा नाम है इनको रिसेंटली प्रेजिडेंट बना दिया गया है किस कंट्री का इनके फादर भी काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन इस कंट्री के रह चुके हैं तो सद्यार हैज बिन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ हिज कंट्री किर्गिस्तान अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान आर्मेनिया तो ये मैं मान के चल रहा हूँ शायद आप लोगों को नहीं आपने सुना होगा तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेजिडेंट को रिसेंटली अपॉइंट किया गया तो ठीक है तो इनसे पहले असल में इनके जो फादर थे इनके जो फ़ादर हैं वो असल में यहाँ पर प्रेजिडेंट थे और अब ये बन चुके हैं कंट्री के नए प्रेजिडेंट ठीक है और तुर्कमिस्तान जो कंट्री है उसके नए प्रेजिडेंट बन चुके हैं इसकी कैपिटल होती है अशकबाबाद ठीक है तुर्कमिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है कैप्ट अशकबाद और करेंसी होती की मनात ठीक है आगे चलते हैं तो तुर्कमिस्तानी प्रेजिडेंट स्पीक्स टू जर्नलिस्ट आफ्टर कास्टिंग इज बैलेट एज ए सन विद अवर फैमिली मेम्बर्स लुक ऑन एट पोलिंग स्टेशन इन अशकाबाद आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल तो मेल कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ लिया फीमेल कैटेगरी में इस अवार्ड को किसने जीता है 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स अब नहीं रखा रहा ये पैराथलीट है शूटर है ये ठीक है सविता मीरा बाईचानू लोवलिना बोरोगेन विच प्लेयर हैज़ वॉन दी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड एट दी टी टू स्पोर्ट स्टार इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने मेडल जो जीता था वो था सिल्वर मेडल ठीक है हाँ सिल्वर जीता था ओलंपिक्स में तो मीराबाई चानू वॉन इंडिया हाँ इन्होंने पहला मेडल जीता था दो के टोक्यो ओलंपिक्स में मतलब इक्कीस में जो हुए थे 49 नाइन के के इवेंट में ठीक है आगे चलते टेंथ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है तो रिसेंटली आपको पता होगा कि पंजाब में भी इलेक्शन हुए और पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर कहीं सरकार बना रही है और फुल स्टेट दिल्ली में तो आपको पता है कि दिल्ली है तो एक यूनियन टेरीटरी ठीक है एक स्पेशल यूनियन टेरीटरी है यूटी विद लेटिव है मतलब लेजिशन प्रॉपर सी बनते हैं पर एक फुल स्टेट पहली बार आम आदमी पार्टी को मिली है जो पंजाब है उन्होंने 92 टू सीट्स 117 में से जीती बहुत बड़ा नंबर है ठीक है तो किन को इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ द पंजाब लजिस्टेटिव असेंबली आपने देखा होगा स्पीकर का काम होता है डिस्कशन वगैरह कंडक्ट करवाना और जो मेजॉरिटी लेके आता है वहीं उन्हीं पार्टी से स्पीकर बनाए जाते हैं तो इनका नाम क्या है कुलतार सिंह साधवान जसविंदर सिंह कुलजीत सिंह रंधावा हरपाल सिंह चीमा तो बाकी जो स्टेट्स में जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स आती रहेंगी जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ पंजाब में क्लियर था आम आदमी पार्टी पहले सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को अनाउंस कर चुकी थी तो इतनी बार डिस्कशन की जरूरत नहीं थी नए स्पीकर पंजाब लेजिस्टिव असेंबली के हैं कुलतार सिंह साधवान ठीक है तो कुलतार सिंह साधवान पार्टी से तो आप देख सकते हो डेप्टी स्पीकर लीडर ऑफ द हाउस भगवंत मान ठीक है तो डेप्टी स्पीकर अभी अनाउंस नहीं हुए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी अभी अनाउंस यहां पर नहीं हुई ये कांग्रेस से होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ठीक है क्योंकि कांग्रेस ने अठारह सीटें जीत के ऑपोजिशन ले ली है तो मतलब ऑपोजिशन में कांग्रेस बैठेगी और ठीक है आगे चलते हैं ग्यारहवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सोशल स्टडीज का इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया जो है उसमें से कितने परसेंट फॉरेस्ट और ट्री से कवर्ड है एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ट्री ठीक है तो यहाँ पर आप थोड़ा ये जो डाटा देख रहे हो ना ये डाटा ऐसे दिखा रहा है कि कौन कौन सी स्टेट्स फॉरेस्ट को फिर से मतलब और स्ट्रॉग कर रही है जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो चलो बहुत अच्छे से फॉरेस्ट एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर माउंटेन में भी मिल जाएगा बस सेंट्रल इंडिया की या फिर नॉर्थ इंडिया की पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान एम यूपी इन सब की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरात इन सब को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो अगर देखा जाए कौन अच्छा कर रहा है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा कर्नाटका झारखंड ये इम्प्रूव कर रहे हैं कहाँ फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिनके पास काफ़ी बड़े फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर कमी दिखे है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है ठीक है तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट आपको अभी समझ में आ जाएगा तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन आवर कंट्री ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ गया यहाँ पर ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव अच्छा सॉरी ये ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू थोड़ा अपडेटेड डाटा आपको दिखा रहा हूँ ठीक है और फॉरेस्ट uh, कवर देखो ठीक है फॉरेस्ट कवर देखो तो वो इक्कीस परसेंट से ज़्यादा ट्री कवर देखो तो वो तीन परसेंट के आसपास है तो यहाँ टोटल फॉरेस्ट और मतलब तो, फॉरेस्ट और ट्री कवर को साथ ही में जाता है तो आप देख सकते हो कितना बनता है ठीक है आगे चलते हैं आप सुन इसी को याद रखना ये अपडेटेड वाला है 24.56 ये अपडेटेड नहीं, ये नहीं ये वाला है, ठीक है? अच्छा है सोशल का. जो कच्चा तेल है वो बाहर से आ रहा है इंडिया की रिक्वायरमेंट जो है पर थोड़ी बहुत इंडिया में भी प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर भी हमारे पास ऑयल फील्ड्स प्रेजेंट है लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जहां पर हम काफी बड़े स्केल पे कच्चे तेल के जो एक्सप्लोरेशन उसको करते हैं क्या ये बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड है अंकेश्वर ऑयल फील्ड है नाहरकटी ऑयल फील्ड है या फिर दिग्ब ऑयल फील्ड तो इनमें से ये थोड़ा एक इंडिया का मैप है हमारी ऑयल और नेचुरल गैस की जो फील्ड्स हैं उनको दिखाने के लिए है वैसे काफ़ी जगह हमारे पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ हैं पर एक तो मुश्किल बहुत होता है और ये वैसे भी क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है तो और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास इसलिए हम लोग बाहर से ही ज़्यादा मंगवा लेते हैं तो सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया में है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड पर अब इसको बॉम्बे हाई नहीं बोलते अब इसको बोलते हैं मुंबई हाई तो बॉम्बे आपको पता है पूरा नाम था मुंबई हाई बुलाते ठीक है तो मुंबई हाई हमारी कंट्री की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है ये आपको बिल्कुल मुंबई शहर के पास में मिलेगी ठीक है और ठीक है आगे चलते हैं थर्टीन क्वेश्चन फाइनेंस और बैंकिंग अच्छा क्वेश्चन है आपने सुना होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स एस के बारे में जैसे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो कुछ छः बिलियन डॉलर्स के आसपास है उस पर सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स डॉलर पाउंड ये सब फिर गोल्ड होता है गोल्ड के बाद और यहाँ पर क्या होता है गोल्ड के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स और उसके बाद होता है रिजर्व पोजिशन कंट्रीज़ रिजर्व पोजिशन इन आई तो एस क्या है एस एक तरह से आप ऐसे मान लो एक करेंसी है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बनाई हुई है दुनिया भर की कंट्रीज़ को कुछ कुछ एस डी आर अलॉटेड हैं या आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते एमरजेंसी वगैरह में यूज़ होते हैं एस डी आर और रिजर्व पोजिशन एमरजेंसी के लिए बचा हुआ ठीक है ये जो एस डी आर है ना इसकी क्या वैल्यू होगी कम होगी या ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है दुनिया की कुछ करेंसीज़ पे ठीक है जैसे डॉलर पाउंड जैसी करेंसीज पे डिपेंड करता है आपसे पूछा रहा है कि एस डी आर की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी ये कितनी करंसे, जिन करेंसीज के साथ इसको जोड़ा गया उन्हीं पे डिपेंडेंट है क्या तीन करेंसी है चार है पांच है या द वैल्यू ऑफ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ हाउ मेनी करेंसीज इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में टोटल पांच करेंसीज पे डिपेंडेंट है एस इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे आएगी वैसे तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है पर आप चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल रिजर्व एसेट एस डी आर इसको क्रिएट किया था और अब सीधे आते हैं दी वैल्यू ऑफ द एस डी आर इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज यू एस का डॉलर यूरोप का यूरो चाइना के रेनमिनबी जापान का येन और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग इन, पा, इन पांच करंसीज की अगर ये करेंसीज में ग्रोथ है तो एस डी आर भी बढ़ जाते हैं एस डी आर की वैल्यू बढ़ जाती है इसमें नहीं ग्रोथ एस डी आर की वैल्यू भी कम हो जाए ठीक है ठीक है क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन फाइनेंस और बैंकिंग का तो अभी मैंने आपको बताया हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉग फॉरेक्स रिज़र्व है ठीक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको मैनेज कौन करता है छः बिलियन डॉलर के आसपास के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है क्या आर मैनेज करता है सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एस तो सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको पता ही इसमें से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कौन मैनेज करता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई मेंटेन करता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व ठीक है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसके थ्रू लीगल फ्रेमवर्क जिससे इंडिया अपने रिजर्व्स क्रिएट करेगा और उन रिजर्व्स को आर ही मैनेज करेगा ठीक है ये रिज़र्व हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमको इम्पोर्ट वगैरह में मुसीबत ना आए डॉलर चाहिए होते हैं इम्पोर्ट के लिए वहाँ हमको प्रॉब्लम हो ठीक है ठीक है सुनो फोर्टीन क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर हुई हमारी ख़त्म अब हम चलते हैं अपने पांच न्यूज़ पे न्यूज़ के टॉपिक कौन कौन से हैं जैसे चाइना में एक काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ बोइंग 737 प्लेन था इसमें 132 पैसेंजर्स थे मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ पंजाब ने क्योंकि वहाँ पर सीएम बन गए स्पीकर बन गए तो पंजाब ने अपने कैबिनेट अनाउंस कर दिया कि कौन से मिनिस्टर को क्या दिया जाएगा ये समझ लेंगे जल्दी से फिर कोस्ट गार्ड के लिए एक नया शिप ठीक है जिसको पेट्रोल वेसल बुलाया जा रहा है ये कमीशन हुआ है कोस्ट गार्ड में इसको समझेंगे एन पी सी आई का यू पी आई लाइट क्या यू पी आई तो वैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यू पी आई लाइट है ये समझेंगे और साइक्लोन आसानी के बारे में बात करें ठीक है शुरू करते हैं तो बोइंग सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड मतलब बोइंग सेवन थ्री सेवन जो है ये प्लेन है इसके मॉडल्स होते हैं एट हंड्रेड सेवन थ्री सेवन मैक्स तो ये एट हंड्रेड वाला मॉडल है ये क्रैश कर गया इसमें एक सौ बत्तीस लोग थे और कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा मतलब बहुत ही दुखली बात है कि कोई भी यहाँ नहीं बच पाया दुनिया के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये जो बोइंग कंपनी का सेवन थ्री सेवन है ये तो 800 वाला मॉडल था इसका एक और मॉडल होता है मैक्स उसमें अगर आपको याद हो कोविड से पहले उसमें दो क्रैश हुए थे एक फिलीपींस में एक इथोपिया में उसके बाद दुनिया भर में जो बोइंग 737 थ्री सेवन मैक्स उनको ग्राउंड करना पड़ गया था वो उड़ नहीं रहे थे ठीक है तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी उसके बाद इन्होंने बोइंग वालों ने तो बोला कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है पर ये जो क्रैश है इसके बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई कि कैसे क्रैश होगा ये क्या रीज़न था इसके क्रैश होने के पीछे ठीक है तो मतलब ये जो बोइंग एट है ना इसके बाद जो सेवन मतलब सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड जो है इसके अगला मॉडल था सेवन थ्री सेवन मैक्स और मैक्स में काफ़ी दिक्कत देखी गई तो इसलिए दुनिया थोड़ा ज्यादा चिंतित है यहाँ पर कि हुआ क्या क्योंकि बोइंग सेवन थ्री सेवन तो बहुत सारे उड़ रहे हैं दुनिया में चाइना ईस्टर्न फ्लाइट एम यू फाइव सेवेंटी थ्री एक सौ बत्तीस परसेंट क्रैश कर गया चाइना के ग्वान से रीजन में मैं आपको मैप पे नहीं मैप पता नहीं है या नहीं दिखाता हूँ अगर है मैप ठीक है ये जो एयरक्राफ्ट था ये सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड टाइप का एयरक्राफ्ट था चाइना के ईस्टर्न एयरलाइंस का था एक सौ बत्तीस लोग थे पर रेस्क्यू टीम को कोई सर्वाइवर नहीं मिला इस तरह के क्रैश में कोई नहीं बच पाता बहुत ही मुश्किल होता है ये वनजो सिटी से जा रहा था गुआनजो सिटी की तरफ और रस्ते में ही माउंटेन एरिया में क्रैश कर गया ठीक है और चाइना की हिस्ट्री रही है कि यहाँ क्रैशिज़ नहीं होते इन्होंने अच्छा अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया था आखिरी क्रैश 2002 में एक बोइंग 747 था जिसमें 200 सौ ये सेवन थ्री सेवन ये सेवन ये थोड़ा बड़ा होता साइज़ में 225 लोग थे ये क्रैश किया था 2002 में उसके बाद चाइना में कोई भी आज तक क्रैश नहीं देखा गया तो अब उनकी कंट्री के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी चिंता में उनके प्रेजिडेंट ने अनाउंस किया कि मैं बहुत शौक में आ गया ये कैसे क्रैश होगा ठीक है और अभी के हिसाब से ये जो फ्लाइट थी ना ये मतलब बस ऐसे सीधी जाती आती इसका कोर्स ख़राब हुआ है सीधे ज़मीन की तरफ जाके हिट कर गई ठीक है सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड प्रीडीसेसर है मतलब पिछला मॉडल है सेवन थ्री सेवन मैक्स के मुकाबले और सेवन थ्री सेवन मैक्स की जो कहानी है मैंने आपको अभी समझाई कि बहुत इसके एक्सडेंट्स वगैरह दुनिया में देखे गए थे हम भी यूज़ करते हैं बोइंग के सेवन थ्री सेवन को बोइंग वैसे यू एस बेस्ड कंपनी है ठीक है हम इसके सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड सेवन थ्री सेवन काफ़ी सारे मॉडल इंडिया में यूज़ करता है विस्तार आसप्रेस एक्सप्रेस स्पाइसजेट उन सबको को सर्वेलेंस पे लगा दें कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत आती है उसको साथ ही ग्राउंड कर दो उसको और यूज़ नहीं किया जाएगा हमारी कंट्री में सब कुछ हैंडल करता है डी डायरेक्टेड जनरल ऑफ़ सिविल एवेसन तो डी के जो चीफ है अरुण कुमार जी उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेयर्स लेंगे ताकि इंडिया में कुछ भी ऐसा हमको एक्सीडेंट फेस ना करना पड़े ठीक है तो बोइंग यूएस बेस्ड कंपनी है जिनका ये प्लेन था और डी इंडिया का एक ऑफिस जिसका जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम बता दो कौन इंडिया में सिविल एविएशन मिनिस्टर कोशिश करो बताने की चलते हैं सेकंड न्यूज़ में तो पंजाब कैबिनेट की जो मिनिस्टर्स की लिस्ट अनाउंस हो गई है तो ये पंजाब में मिनिस्टर्स बनेंगे यहाँ पर भगवंत मान है ये बनवारी लाल पुरोहित है ये पंजाब के गवर्नर हैं ठीक है देख लेते हैं तो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने होम मिनिस्ट्री जो होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा है हरपाल चीमा को अपॉइंट किया गया नया फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला को अपॉइंट किया गया हेल्थ मिनिस्टर ठीक है दस आम आदमी पार्टी के जो एम हैं मतलब जो इलेक्शन जीते हैं उनको यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स का स्टेटस दिया गया तो कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में भी होते हैं स्टेट्स के अपने भी होते हैं ठीक है और भगवंत मान ने अपनी जो शपथ थी वो तो पहले ही ले ली थी 16 तारीख को 16 मार्च को बाकी जो मिनिस्टर्स हैं थोड़ा लेट अनाउंस किए गए 19 को ठीक है पहली इन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग भी रखी जिसमें एक नोटिफिकेशन इन्होंने अप्रूव किया कि पच्चीस हज़ार नौकरियाँ पंजाब में क्रिएट की जाएंगी अगले एक महीने में तो एक तरह से आम आदमी पार्टी का इलेक्शन प्रॉमिस भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा ठीक है तो ये आप नाम देख सकते हो हरपाल सिंह चीमा फाइनेंस मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंह हेल्थ हरजोत एस बेंस लॉ एंड टूरिज्म डॉक्टर बलजीत कौर सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्डर्लफ्रेंड हरभजन सिंह पावर मिनिस्टर लालचंद कटरौज फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कुलदीप सिंह धालीवाल मिनिस्टर ऑफ रूलर पंचायती राज लालजीत सिंह भुल्लर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ब्रह्मशंकर जिम्पा वॉट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ठीक है तो ये हैं पंजाब के जो वेरियस मिनिस्टर्स अनाउंस किए गए ठीक है सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बताता हूँ आप लोग तो नहीं बता रहे तो आंसर क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने अच्छा हमारे सिविल एवियस मिनिस्टर हैं ज्योतिया संध्या ठीक है चलते हैं अपने थर्ड न्यूज पे ठीक है तो पांचवी सीरीज में पांचवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल इसका नाम है सक्षम इसको कमीशन कर लिया गया मतलब कोस्ट गार्ड का पार्ट बना लिया गया आई होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप तो ऐसे टोटल चार अब तक कोस्ट गार्ड में कमीशन हो गए थे पांचवा शिप भी कमीशन हो गया समझते हैं तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिसर डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार उन्होंने कमीशनिंग करवाई आई सी जी सक्षम की तो 105 मीटर इसकी लेंथ है तो ये मतलब कोई वेसल बस छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा शेप है ठीक है पेट्रोलिंग वेसल है इसको गोवा में इसको आ, इवेंट रखा गया पहले चार जो थे उनको ऑलरेडी कमीशन कराया गया जैसे सचेत सुजीत सार्थक और सजग ठीक है इनकी कमीशनिंग पहले हो गई थी जो पांचवा था जिसका नाम है सक्षम उसकी कमिश्निंग अब यहाँ पर की कमीशन मतलब जब एक्चुअली जो शिप है वो ज्वाइन करता है कोस्ट गार्ड या नेवी जो भी जैसे कमिश्निंग ऑफ शिप टू नेवी कमिश्निंग ऑफ एयरक्राफ्ट टू द एयरफोर्स मतलब जब एक्चुअली पार्ट बन जाए उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू कर दिया ठीक है तो इंडिजीनियसली इसको खुद बनाया गया ऑफ शोर ऑफ शोर पेट्रोल वेस, वेसल पेट्रोलिंग मतलब जैसे गश्त लगाना अपने एरिया पर कंट्रोल रखना इसको लॉन्च किया गया था दो हज़ार सोलह में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस मिशन को किस तरह से पांच ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जाएंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को ये ड्यूटी दी गई थी एक सरकारी कंपनी को कि कहीं नहीं कोई शिप को पूरा बनाना था डिज़ाइन करना था और इसको कोची में डिप्लॉय किया जाएगा वहाँ पर ही अपना काम देखेगा ये शिप ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड ये काम करता है अंडर दी आ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तो हमारी कंट्री का कोस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस सबको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन कोस्ट गार्ड की ठीक है ठीक है आगे चलते हैं चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज पे तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो यू पी कुछ मैनेज करते हैं गूगल पे फोन पे सब यू चलाते हैं यू के बेसिस पे चलते हैं इन्होंने लॉन्च कर दिया यूपीआई लाइट इससे क्या होगा थोड़ा एक नया तरह का सिस्टम है आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट्स वगैरह थोड़ी बहुत कर पाओ ठीक है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया यूपीआई लाइट को ऑन डिवाइस वॉलेट तो एक तो यहाँ पर क्या है कि देखो अगर आप यू यूज़ कर भी रहे हैं तो ज़्यादातर यू में पेमेंट होती है छोटी सौ डेढ़ सौ दो सौ उससे ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स बहुत कम होती है अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश इंडिया बिलो सौ तो ये तो हमको बिल्कुल पता है कि हमारे यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है वो सौ या उससे कम की होती है ठीक है कुछ खा लिया कुछ खरीद लिया ये सब चीज़ें बहुत मतलब मैक्सिमम जो ट्रांजक्शन होती है हाँ बड़ी ट्रांजेक्शन भी हो रही है इससे लिखा है कि सेवेंटी ठीक है पचास परसेंट टोटल यू पी आई के जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं ठीक है थीके? वो यहाँ पर दो सौ या उससे कम की हो रही है ठीक है तो ये जो एन पी सी आई ने लॉन्च किया यू पी आई लाइट इसके थ्रू क्या होगा जो छोटी स्केल की पेमेंट्स हैं उनको ईजिली मैनेज किया किया जा सकता है यू पी आई लाइट विल प्रोसेस ट्रांजेक्शन इन ऑफलाइन वोड दैट इज डेबिट ऑफलाइन एंड क्रेडिट ऑनलाइन ठीक है मतलब कि जैसे आपने किसी को पेमेंट करी और आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था ठीक है तो अगले इंसान को आप दिखा सकते हो कि पेमेंट हो गई और जैसे ही आपका फोन वापस से ऑनलाइन में आएगा आपके अकाउंट से वो पैसा कट देगा क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत अभी भी चीटिंग वगैरह का चांस है इसलिए पेमेंट्स ज़्यादा बड़ी नहीं रखी गई ऐसे नहीं कि, कि किसी को आपने इंटरनेट ऑफ में दस हज़ार रुपये भेज दिए और जब इंट, आपने इंटरनेट ऑन ही नहीं किया कभी उस फ़ोन पर फेंक दिया फ़ोन को तो आपकी कभी वो ट्रांजेक्शन और भी कुछ अब इंडियंस इस तरह से थोड़ा बहुत सोचेंगे ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड करने के लिए जो ट्रांजेक्शन को छोटा रखा गया है

और द टोटल लिमिट ऑफ़ द यू पी आई लाइट बैलेंस फॉर एन ऑन डिवाइस फॉर ठीक है ठीक है ठीक है तो अभी तो ये बहुत ही इनिशियल फेज़ में ये जो यू पी आई लाइट का एक नया इनिशिएटिव है पर इसके थ्रू एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है कई बार हम लोग बहुत लो बैटरी पे होते हैं हम इंटरनेट ऑन नहीं करना चाहते कई बार इंटरनेट ऑन करते हैं और पेमेंट करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल पेमेंट के दौरान फ़ोन ऑफ हो जाता है उन सब प्रॉब्लम्स को यू पी आई लाइट सॉल्व कर सकता है ठीक है एन पी सी आई ने ही क्रिएट किया है यू पी आई और यूपीआई लाइट को भी इन्होंने क्रिएट किया हेड क्वार्ट मुंबई फाउंडेड इन टू थाउजेंड एंड एट चलते आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे साइक्लोन आसानी तो आपने सुना होगा अंडेमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर तो साइक्लोन विच इज फॉर्मड ओवर दी नॉर्थ अंडेमान सी इस साल का पहला साइक्लोन और मार्च के महीने में साइक्लोन बहुत रेयर आता है तो ये भी एक बहुत शॉकिंग बात थी ठीक है इसका नाम आसानी रखा है श्रीलंका ने सिन्ी uh, लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से आसानी मतलब व्रॉथ व्रॉथ मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा टैरर ठीक है तो नाम रखने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि छः रीजनल स्पेसिफाइड मेटोलॉजिकल सेंटर्स हैं ठीक है और पांच रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं इन्हीं के पास अथॉरिटी है नाम वगैरह रखने की इनमें से एक है इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ये जो छः uh, रीजनल स्पेसिफाइड मेटोलॉजिकल सेंटर्स हैं ना इंडियन ओशन की बात हो रही है उसमें से एक इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है इसके पास भी अपनी अथॉरिटी नाम वगैरह रखने की तो ऐसे होता है कि जैसे अभी एक इंडिया का नाम फिर श्रीलंका का नाम फिर किसी और कंट्री का नाम इस तरह से नाम रखे जाते हैं ठीक है और नाम यूनिक होना चाहिए ताकि दुनिया भर में समझ आ सके किस साइक्लोन की बात की जा रही है तो इस तरह से कुछ रूट रहेगा ट्रैक रहेगा इस साइक्लोन का जो मेन लैंड इंडिया वहाँ हमको इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है जो अंडेमान निकोबार का एरिया है यहाँ पर ही आपको थोड़ी बहुत चिंता वो भी जितना मैंने न्यूज़ में देखा इतना कोई वहाँ पर अभी तक तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर नहीं देखा गया ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके साथ इस क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी आपने कुछ नया सीखा कुछ नया जाना ठीक है और अन अकेडमी की पे अभिनव जोशी नाम से मेरी प्रोफाइल है स्टूडेंट्स वहाँ जाके आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का नाम है सी ए बाई अभिनव जोशी क्लासेस के लिंक्स पी डी एफ सब कुछ आपको स्टूडेंट्स इस एक टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अन अकेडमी के ऐप से किसी भी एग्जाम की तैयारी क्लियर कितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स हो सकता है आप ये रेफरल कोड यूज़ करो ई बी एच एफ जीरो अडिशनल टेन परसेंट ऑफ आपको आपकी कोर्स अमाउंट पर बिल्कुल मिल जाएगा आज का डॉट बाय अन अकेडमी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसके थ्रू अन अकेडमी के ऐप पर जाके अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह उसको आप क्लियर कर सकते हो ठीक है रिपोर्ट ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है उसमें जैसे अगर आपको ऐसा लगे किसी भी एजुकेटर ने आपके सामने जो कंटेंट रखा है अगर किसी भी तरह से इनअप्रोपेट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं बदले में अकेडमी आपको अवार्ड वगैरह भी जरूर देता थीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके साथ इस क्लास को करते हैं थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू, थांक यू, थांक यू, थांक यू.